हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चनों को देखते हैं। चीनी के मूल्य में कमी या वृद्धि वाले क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपये में 7.5 किलोग्राम चीनी खरीद सकता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम था। ठीक है, चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में था। हमें क्या निकालना है? चीनी का आरंभिक मूल्य। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चीनी के भाव में 25% कमी हो गई तो हम जो रुपए हैं 360 रुपये में 25% निकालेंगे। प्रतिशत का मतलब बटे 100। ठीक है, ये जो रुपए होंगे, ये रुपए हैं, ये 7.5 किलोग्राम चीनी के बराबर होंगे। मतलब कि किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम मतलब कि जो ये कमी हुई है इसमें 7.5 किलोग्राम चीनी आई है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 25 चौके 100, इसे काट देंगे, 4 से 4 9 36 और 1 0। ठीक, यहाँ हो जाएगा 7 2 14 और 1 15। ठीक है, 15/2 किलोग्राम। हम क्या करेंगे, हम 1 किलोग्राम का मूल्य निकालेंगे। पहले हम 1 किलोग्राम का मूल्य निकालेंगे, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे काट देंगे, 15 छक्के 90, इस 2 का इस 6 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 रुपये। ठीक है, 12 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी। कहीं कहीं पर आपको इतना ही पूछा जाएगा कि कमी के पश्चात आपका मूल्य कितना होगा चीनी का, 1 किलोग्राम चीनी का, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है। हमसे पूछा है चीनी का आरंभिक मूल्य। तब हम क्या करेंगे, इसको और आगे करेंगे। हम मान लेंगे कि आरंभिक जो मूल्य है क्या होगा, एक्स। हम आरंभिक मूल्य एक्स मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि जब आरंभिक मूल्य एक्स है, ठीक है, और इसमें 25% की कमी, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी, 100% होती है कि नहीं, 100%। अब उसमें 25% की कमी हो गई, 25% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो वो कितनी बची, 75% बची कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, इंटू 75/100% का मतलब बटे 100। अब कमी के पश्चात कितने रुपये की हुई है चीनी, कमी के पश्चात कितने रुपये की हुई है जी, हमने निकाल लिया है 12 रुपये की। ठीक, हमें एक्स का मान चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 25 × 75 25 × 100। अब इस 3 से इस 4 को काट देंगे, 3 × 12, इस 4 का इस 4 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4 × 16 रुपये। यानी कि जो आरंभिक मूल्य था कमी के पहले, आरंभिक मूल्य, ठीक है, जी पूछा है ना, आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम में क्या था, मतलब कि 1 किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य जब कमी नहीं हुई थी कितना था, 16 रुपये। यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% कमी, ठीक है, कमी बोली है, यदि वृद्धि बोले तब हम क्या करेंगे, 100 में प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, जहाँ पे हमने माइनस किया था आरंभिक मूल्य निकालने के लिए वहाँ हम प्लस करेंगे। ठीक है, कमी बोला है तो। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम जी ग्राम है अधिक चीनी खरीद सकता है। ठीक है, चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य, मतलब इसमें भी वही पूछा है प्रारंभिक मूल्य, इसमें पश्चात नहीं पूछा है कि हम चीनी 20% कमी के बाद मूल्य क्या होगा, नहीं, इसमें पूछा है कमी से पहले मूल्य क्या था, यानी कि प्रारंभिक मूल्य, तो हम प्रारंभिक मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। हम क्या करेंगे, 36 रुपये दिए हैं हमें ना, उस रुपये में 20% निकालेंगे तो उतने रुपये की 500 ग्राम चीनी आती है। ठीक है, 36 रुपये का 20% का मतलब तो पता ही है, बटे 100 होता है। ठीक है, बराबर कितनी है, 500 ग्राम, वहाँ किलोग्राम में था, यहाँ ग्राम में है, हमें आंसर किलोग्राम में निकालना है, तो इसलिए हम इसे बाद में चेंज कर देंगे। ठीक है, 20 × 100 इसे काटेंगे, अब इसे हम और नहीं काटेंगे, हम ऐसे ऐसा लिख देंगे, 36/5।
ठीक है, बराबर 500 ग्राम। अब देखना, एक 500 ग्राम है, आप इसे 500 ग्राम का मतलब क्या होता है, आधा किलोग्राम होता है कि नहीं, आधा किलोग्राम, आधा मतलब 1/2 किलोग्राम, तब हम इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। 36/5 बराबर 1/2, ये ग्राम में अब किलोग्राम में आ जाएगा, क्योंकि आधा किलोग्राम, ये 500 ग्राम का मतलब होता है आधा किलोग्राम, यानी कि 1/2 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम में चेंज हो गया। अब इस 2 का इधर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 72/5 बराबर किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य कितना है, 72/5। अब इसे और नहीं काटेंगे क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा तो कठिन हो जाएगा, ठीक है। यदि हमसे इतना इतना ही का पूछता तब हम काट देते, लेकिन हमें अभी और करना है, हमें प्रारंभिक मूल्य निकालना है, क्या बोला है, प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम वैसे ही मान लेंगे प्रारंभिक मूल्य x है, तो x मान लिया, ठीक। अब बोला है 20% की कमी, ठीक है, कोई भी वस्तु हमारे यहाँ में 100% होती है, ठीक है नहीं, अब उसमें 20% की कमी कर दें तो कितना, 80 बचेगा। यदि बोलता 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि होता तो 20 ऐड कर देते तो कितना, 120 हो जाता, ठीक है, कमी बोला है इसलिए माइनस किया है 20, तो 80/100, कमी के बाद जो मूल्य हुआ है वो कितना आया 1 किलोग्राम का, 72/5, तो यहाँ लिख देंगे 72/5। अब काट देंगे 1 0 से 1 0, 8 9 72, ठीक। अब इस 5 से इस 2 को काट देंगे, 5 2 10, और इस 2 का इस 9 में गुणा कर देंगे, ठीक है, 9 2 18, यानी कि प्रारंभिक मूल्य 18 रुपये है, ठीक है। काटना तो सबको आना चाहिए, वैसे देखो काटना तो सबको आना चाहिए, मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई है चीनी के मूल्य, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हैं ठीक है। अब जी आपका आंसर आ गया 18 रुपये, 18 रुपये आपका, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।